सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड देयर इज अ बैड न्यूज यू नीड टू नो, और जो थार बायर था टी सुने तो सुनना ही चाहिए। सो एज यू ऑल नो बाई माई प्रीवियस ब्लॉग दैट मैं 3 महीने से यहाँ पे नहीं था और मैंने थार कौन भी नहीं किया एंड वैसे ही पड़ी थी। और जब मैंने आके वापस देखा तो मैंने प्रीवियस ब्लॉग मुझे अपने बताया कि इसमें सामने वाले मिरर के सामने से पानी लीक कर रहे हैं। लेट मी शो यू। आई होप यू कैन सी देयर, कुछ पानी बचा है। कल रात को बारिश हुई थी तो पानी अंदर आया। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पानी आ कहाँ से रहा है। यहाँ से कहीं से आ रहा है बट ऐसे हाथ लगाने से तो कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ से और कहीं से पानी घुसने की भी जगह नहीं है। सो आप ये जगह देख रहे हैं, ये साइड वाली जगह है। या तो पानी यहाँ से आ सकता है या ये कहीं मिरर से आ रहा है, यहाँ से लग के इनका कोई सॉल्वेंट उखड़ गया है मिरर का, या वहाँ पे बीच में एडजॉइनिंग जो होता है वो हट गया है, तो हो सकता है वहां से पानी में भी लीक कर रहा होगा। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात किया एंड ट्रस्ट मी द स्टाफ इज रियली गुड है। जैसे ही मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा सर आप जल्दी अपनी गाड़ी लेके आ जाइए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर देते हैं। तो आई एम गोइंग देयर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस अभी जैसा देख रहे हैं सिस्टम में दिक्कत आई थी, उसे ठीक कराने आए हैं। देखते हैं खोल के क्या निकलता है। क्या पाजी, पानी जो भी है बचे है कि नहीं बचे है? चालू करके देख ही रहे। मुद्दा ऑन है वो, हो सकता है धूप में गाड़ी खड़ा था सुबह से। नहीं नहीं ये तो अंदर है, वो तो अंदर, वो थोड़ी गर्म, देखिए कितना गर्म हो। ये सब तार और भी कटे? नहीं ये तो उसका है, पार्किंग लाइन है, स्टीयरिंग कंट्रोल है सर, ये लिखा हुआ भी तो कर दिया। स्पीकर लाइन तो सब लगे, सब सही है, स्पीकर लाइन ऑन ही नहीं है, सेटिंग नहीं है, पावर लाइन तो सब लग गया। अंदर लाइट भी चल रही है इधर, इधर सेट तो ऑन हो, गर्म हो रहा है ना, मैं कहीं रहा, ये ऑन हो के मेरे हो जाए। वही तो हम बोले, हम तो बोला सेट गर्म हो रहा, मतलब वो सेट गर्म हो रहा, सेट लाइट में ऑन, पावर ऑन है सेक्शन में, इतना गर्म नहीं होगा कम, ठीक है धूप धूप में होता है लेकिन थोड़ा उतना गर्म नहीं होता। तो एज यू कैन सी नो सिस्टम, आई थिंक शॉप एंड ऑफ है। तो शॉपकीपर ने भाई मेरा सिस्टम ले लिया है, उसमें वही डैशबोर्ड से जो वाटर आ रहा था वही लगता है यहाँ पे भी आ गया है, जिसकी वजह से बोल रहा हो सकता वो डैमेज हो गया। देखिए रिपेयर के लिए दिया है उसने, कहा इवनिंग में आइए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग। सो इट्स जस्ट अनदर डे, यस्टरडे द शॉपकीपर हैज कॉल्ड मी एंड सेड कि मेरा म्यूजिक सिस्टम का आईसी यानी कि मदरबोर्ड खराब हो चुका है ड्यू टू दैट वाटर लीकिंग इन माई डैशबोर्ड, सो ही नीड्स टू चेंज इट। सो बहुत गर्मी है भाई। सो एज यू कैन सी द सिस्टम इज बीइंग फिक्स्ड।
So fingers crossed, we are going to check it. Oh yeah. फिर तो चालू हो गया भाई सिस्टम, थोड़ी क्या बड़ी थोड़ी डिंगी हो गई है ये फिंगर है। एंड यह माई डिवाइस पेयर्ड, लेट्स हियर। सो यस, आई हैव इंस्टॉल्ड माई सिस्टम अगेन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम कि यहाँ पे वाटर कहाँ से लीकेज हो रहा था। लेट मी शो यू फ्रॉम दैट साइड। यस, एंड आई हैव डन समथिंग न्यू ऑल्सो, यू कैन सी। जी यस, बिट लॉक भाई, इतना ही सब्सक्राइबर बदने हैं, ब्रांडिंग जरूरी है। सो तो वाटर दो साइड से लीक कर रहा था, एक यहाँ पे आप ये डोर पे रबड़ देख सकते हैं, ये वाला, यहाँ से आ रहा था, यहाँ कहीं से आ रहा था वाटर, मतलब रबड़ में प्रॉब्लम था। और ये मिरर का जो ये रबड़ है, इसमें ये वाला पूरा पार्ट जो था यहाँ से सॉल्वेंट बीच बीच में मिसिंग था, जो एडजॉइनिंग में लगता है, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वहां से था, तो ये भी यहाँ पे आके खत्म हो रहा था और ये वाला कहीं डैशबोर्ड पे यहाँ से निकल रहा था। तो इसीलिए हम भी कंफ्यूज थे कि पानी यहाँ से आ रहा कि यहाँ से आ रहा, क्योंकि दोनों जगह से आ रहा था वाटर। सो होप यू फाइंड माय इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, और आगे जाके और भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं वो भी ज़रूर कवर करूँगा, और आपके अगर और कुछ भी सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा सिस्टम भाई ये बिना तो गड्डी चलती नहीं है, खासकर लॉन्ग टूर्स में। सो ये भी सही हो गया है, इसका एक्चुअली आईसी चल गया था, जो मेन मदरबोर्ड रहता है वही चल गया था, तो वो पूरा रिप्लेस किया है। और फिर अभी इस पर एक साल की वारंटी और एक्सटेंड हो गई है, मतलब जो नया आईसी लगा उस पर मुझे और एक साल की वारंटी फिर से मिल गई है। बट वही है कंडीशन की अगर वाटर और कुछ भी आउटसाइड से डैमेज होगा तो वो कवर नहीं होगा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो भी होगा वो कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू इन next vlog, okay, bye.